हाय, फाइनली कुलुतु बेबी का बेबी हो गई है। वो अभी बहुत दिक्कत और परेशानी की बात। अभी तो पपीज़ को हुए 24 घंटे हो चुके हैं और कुलुतु भी ठीक है अभी और पपीज़ भी ठीक है। आज 1 सितंबर है ना, कल 2-3 बजे तक कुलुतु का पपीज़ हो चुके थे। तो मैं आप सबको बताती हूँ क्या दिक्कत हुआ था कुलुतु की बेबी होने में। इनका तो ज़्यादातर 60 से 62 डेज में डिलीवरी होता है, डॉक्टर लोगों ने भी बताया यही। कभी कभी आगे पीछे होता है, लेकिन कुलुतु का ज़्यादा पहले ही हो गया है, 4 दिन पहले। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, संडे की रात से ही उसको अजीब से हरकत करने लगी। कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, गर्मी लग रही थी उसको। मुझे लगा नहीं था कि उसी दिन डिलीवरी हो जाएगी। रात को 12 बजे तो और भी उसको गर्मी लगने लगी, हाँफ रही थी। और अचानक रात की 1 बजे उसका फर्स्ट बेबी हुआ है। मैंने सोचा ही नहीं था कि उसी दिन डिलीवरी हो जाएगा। तो उसकी 2 घंटे बाद एक और पपी हुआ और उसके बाद मैं वेट करती रही कब होगा तीसरा, कब होगा। लेकिन बहुत टाइम हो गया था, फिर भी नहीं हो रहा था। 6 घंटे हो गए थे, सुबह हो गए थे। तो मैंने ज़्यादा ही, मुझे लगा कि ज़्यादा ही लेट हो गया। तो मैंने डॉक्टर के वहाँ कॉल किया जहाँ पे मैंने उसका एक्सरे करवाया था। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, 10 घंटे भी लग जाते हैं, 1-2 घंटे और वेट करो, फिर अगर तब भी नहीं हुआ तो आप उसको लेके आ जाना करके। फिर मैंने वेट किया 2 घंटा, फिर भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं उसको लेके गई और वहाँ जाके डॉक्टर ने ये बोला कि पहले एक्सरे करके देखना पड़ेगा कितनी पपीज़ है। तो एक्सरे किया, उसमें दिख रहा था कि 4 पपीज़ है। और फिर डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर ने बोला कि इतना टाइम तो नहीं लगता, वैसे तो कभी कभी होता है, लेकिन हम जितना वेट करेंगे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, पपीज़ अंदर मर भी सकते हैं। अगर मर गए तो उन्होंने बोला कुलुतु के लिए रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है अगर पपीज मर गए तो पेट के अंदर। तो बहुत डर लगा, समझ नहीं आ रही थी क्या क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर डॉक्टर ने सी सेक्शन करना पड़ेगा ये बताया। फिर उन्होंने मुझसे फॉर्म साइन कराया। उसके बाद कुलुतु को बेहोशी के लिए इंजेक्शन दिया गया और उसी टाइम पे उसके पेट से थोड़ा बाल शेव कर दिया था। फिर हम वेट करें कुलुतु को लेके थोड़ा सा, और जब कुलुतु थोड़ा सो गई थी तब वो लोग कुलुतु को गोदी में उठा के लेके जा रहे थे। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, कुलुतु के लिए इतना डर लगा। बस उस टाइम मुझे ज़्यादा कुलुतु की फिक्र हो रही थी। फाइनली सी सेक्शन करके कुलुतु बेबी का बेबी हुआ और एक बेबी मिच्योर प्रीमेच्योर था। डॉक्टर बोल रहे थे कि वो जो अभी पपी है उनसे भी आधा छोटा था, वो पहले से ही मरा हुआ था पेट में, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो घर में ही हो जाते हैं और मैंने जितना भी देखा घर में ही हो गया। जब रियो हुआ था तब घर में ही हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कुलुतु के साथ ये सब हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा होगा, इतना प्रॉब्लम होगा। सी सेक्शन, कुलुतु का सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, ये सब सोचा ही नहीं था मैंने। इतना परेशानी होगी कुलुतु को, मेरी वजह से इतना दिक्कत होगी, क्योंकि मैं चाहती थी उसकी बेबी करवाना, क्योंकि मुझे उसकी ब्लड लाइन चाहिए था। मेरी वजह से उसको इतना दर्द हो रहा है अभी भी। ऑब्वियसली उसको बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसको देख के बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ। अभी तो मैंने सोच लिया है ज़िंदगी में कभी कुलुतु का तो ज़िंदगी में नहीं कराऊंगी, अभी कभी भी कोई पपी जो भी हो वो आएगा तो कभी नहीं कराऊंगी मैं बेबी। एक बार में ही मुझे बहुत बुरा लगा कुलुतु को ऐसे देख के, पपी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। पपी से ज़्यादा मुझे कुलुतु के लिए टेंशन हो रही थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फाइनली अभी तो सब ठीक है, आप सबको पपी से मिलाती हूँ मैं। आप सब भी देखना कुलुतु की बेबीज को की। और मैंने पपीज को यहाँ रखा है, जब दूध पिलाने होता है तब।
लगभग ठीक ही है, लेकिन मुझे इंतजार है कुलुतू पूरी तरीके से नॉर्मल पहले की जैसे हो जाए, है ना कुलुतू? और पपीस भी तब तक तो थोड़ा बहुत बड़े हो जाएंगे। आज का वीडियो तो यही तक है एंड मैं कल से इनके साथ रोज ब्लॉग बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।